आज हम आपको पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने अष्टम में पढ़ी होगी ये निर्देशांक ज्यामिति। बस कोई चीज है, कोई नया चीज नहीं। आप घबरा जाते हैं, गणित करते ऐसी बात नहीं। गणित बहुत आसान चीज है। यहाँ पर क्या होता है, कोई आठवीं क्लास की बात है। इस तरह से एक्स एक्स और दो रेखा मिलने थे, एक्स एक्स और वाई एक्स। जहाँ पर ये रेखा काटनी है उसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ये जो इस तरह से जो रेखा जो पड़ी हुई होती है उसको हम एक्स एक्स, और जो लंबवत रेखा होती है ऊपर से नीचे को उसको वाई एच कहते हैं। ऊपर जो वाई एच लिखते थे वाई और नीचे वाई डैश, और यहाँ इधर एक्स और इधर एक्स डैश। बाएं हाथ की तरफ को जो आंखे होते हैं वो धनात्मक होते हैं, और दाएं वो बाएं तरफ के आंखे ऋणात्मक और दाएं तरफ के धनात्मक। और वैसे ही ऊपर के जो आंखे होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, वो धनात्मक होते हैं, और नीचे के जो आंखे होते हैं ऋणात्मक। अब यहाँ पर जो रेखा मिले तो चार भाग बन जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। और इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इधर गए हम धनात्मक का पहले करते हैं एक्स एक्स का, तो ये चीज धनात्मक है, और ऊपर चलाते हैं फिर तो ये धनात्मक। तो यहाँ पर जो चीज आती है दोनों धन धन की चीज आती है। अब ऐसे ही यहाँ पर पहले चलेंगे एक्स एक्स पर तो ये माइनस, और ऊपर को चलेंगे तो ये धनात्मक। अब यहाँ पर पहले एक्स एक्स पर चलो तो माइनस, और वाई एक्स पर चलो नीचे की तरफ वो भी माइनस। अब यहाँ पर एक्स चतुर्थांश में पहले चलेंगे दाएं अक्ष की तरफ तो ये धनात्मक, और नीचे को आएंगे वाई एक्स के लिए तो ये ऋणात्मक। तो इस तरह से प्रथम चतुर्थांश में धन धन, द्वितीय चतुर्थांश में ऋण धन, तृतीय चतुर्थांश में ऋण ऋण, और चतुर्थ चतुर्थांश में धन ऋण चिन्ह होते हैं। अब यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है। अब यहाँ पर आए हम यहाँ पर इस तरह, और यहाँ पर सही बात, तो ये सीधे हाथ की तरफ पहले आएंगे तो तीन काल के लेंगे, और ये लेंगे दो काल, तो इनको हम कहते हैं निर्देशांक। यानी ए बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, तीन दो। अब यहाँ पर आगे कौन
तो यहाँ पर क्या पहले आगे एक्स अक्ष की तरफ तो ये माइनस का पड़ेगा और ऊपर को चलेंगे तो ये प्लस का, तो ऊपर चार आ गया, तो यहाँ पर चार किसी दो तो चार, तो प्लस व माइनस दो और यहाँ प्लस चार। अब हम लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ पर बिंदु वैल्यू बी है, यहाँ बिंदु मान लीजिए बिंदु है सी, तो सी बिंदु के निर्देशांक पहले एक्स की तरफ आएंगे, एक्स अक्ष पर माइनस तीन है और फिर वाई अक्ष की तरफ जाइए तो माइनस तीन पर ये काटते हैं, तो इस तरह से सी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस तीन माइनस पांच। अब यहाँ पर आइए, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है बी बिंदु, तो ये डी बिंदु है, यहाँ पर ये डी बिंदु काटता है, तो यहाँ पर पहले प्लस की तरफ एक्स अक्ष पर तो ये प्लस छह पर है और फिर नीचे की तरफ माइनस एक, इस तरह डी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे छह माइनस एक। अब यह कहते हैं हम लोग यहाँ पर कोई बिंदु है, डी बिंदु है, तो इसके निर्देशांक जब बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे ई के, यहाँ पर बिंदु है तो इधर प्लस की तरफ है चार है, वाई एच की तरफ ऊपर को बिल्कुल नहीं चाहिए तो क्या रहेगा, यहाँ जीरो रहेगा। ऐसे मान लो यहाँ पर जो कोई बिंदु है, अब हम क्या एक्स की एक्स तक बिल्कुल नहीं चले यानी जीरो, और ऊपर की चले ये, यहाँ पर बिंदु राशि भी मान लो एक्स, यानी जो एक्स बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो जीरो और एक। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक्स अक्ष की तरफ पहले चलेंगे कितना चला है माइनस पांच इकाई, और वाई अक्ष की तरफ कितना चले बिल्कुल न ऊपर चले न नीचे, तो इसका मान हो जाएंगे। अब ऐसे ही मान लो यहाँ पर है कोई बिंदु है, तो नीचे की तरफ एक्स अक्ष की तरफ तो न इधर बाई साइड में न दाई साइड में, तो न तो जीरो माइनस का प्लस, तो यहां पर आ जाएगा जीरो हो जीरो, और नीचे की तरफ कितना चले माइनस चार, तो यहां पर चार, तो यहां बिंदु डालते ई है जी और यहां पर एच, तो एच बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे जीरो चार। और बता दो मूल बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक न इधर चले न उधर चले न ऊपर न नीचे, तो इसके निर्देशांक जो होते हैं जीरो जीरो होते हैं। अब ये बहुत साधारण विधियां इसी पर आधारित आज की प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली इसमें जो ग्रह कार्य देखेंगे
तीन तरह के रोग प्रश्न एक दो तीन, कोई नई बात इसमें बताने के लिए नहीं है, आपकी क्लास की बात है, इसे आप करके लाइए।